सो गाइज, अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो ज़रूर आप लोग भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे, क्योंकि गाइज मैं भी बहुत दिनों से इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। एंड गाइज, ये प्रॉब्लम का मतलब कि रीज़न क्या है वो भी मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा, एंड इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहला जो रीज़न है गाइज वो मैं आपको बता दूँगा, क्योंकि गाइज देखिए यहाँ पे जैसे ही हम कैपकट के किसी भी टेम्पलेट को यहाँ पे क्लिक करते हैं तो गाइज यहाँ पे जो है वो कुछ देर के लिए मतलब कि यहाँ पे ब्लैक हो जाता है, एंड उसके बाद जो है बैक होकर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है अनेबल नेटवर्क कनेक्शन। ठीक है, इसका रीज़न क्या है गाइज, पहला रीज़न बता रहा हूँ गाइज, ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखते रहना। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बैक चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे बैक जाने के बाद हम यहाँ पे जो आप VPN यूज़ कर रहे हो गाइज, अगर आप लोग कोई दूसरा VPN यूज़ कर रहे हो तो गाइज इसलिए भी हो सकता है ये, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों को सुपर VPN यूज़ करना है, ठीक है। अगर गाइज ये सब कुछ ठीक है, अगर आप लोग सुपर VPN यूज़ कर रहे हो और कैपकट अच्छे से यूज़ कर रहे हो तब भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसका दूसरा जो रीज़न है वो क्यों नहीं हो रहा है वो मैं बता देता हूँ। कि गाइज देखिए यहाँ पे सबसे पहले गाइज यहाँ पे मैं जो आप लोग को एकदम VPN को कनेक्ट करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि गाइज क्या होता है कि VPN को कनेक्ट करने के बाद भी जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि गाइज VPN जो सुपर VPN है उसको अगर आप लोग कनेक्ट कर लेते हो उसके बाद भी अगर आप टेम्पलेट को यूज़ करते हो तो वहाँ पर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और वो सेम प्रॉब्लम यही है कनेक्शन वाला, ठीक है, नेटवर्क कनेक्शन वाला, या फिर वहाँ पे वीडियो इजेंट अवेलेबल करके लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने VPN को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, वही सुपर VPN जिसके बारे में मैंने बताया था, यहाँ पे गाइस फिर भी वो यहाँ पे नहीं चल रहा गाइस, ठीक है। अब देखिए गाइस इसका रीज़न क्या है, अब यहाँ पे ये क्यों नहीं चल रहा है VPN को कनेक्ट करने के बाद भी। अब देखिए गाइस यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए गाइस सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं अपना कैपकट दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों को अपना कैपकट ओपन करना है, यहाँ पे गाइस आप लोगों को एक चीज़ देखनी, सेटिंग्स में जाके आपको अपना वर्जन चेक करना है, ठीक है, कि आप वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हो, क्योंकि गाइस जो ओल्ड वर्जन है उनमें गाइस जो है ये मतलब कैपकट के जो टेम्पलेट्स हैं इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि गाइस जो न्यू वर्जन है उसमें नए न्यू टेम्पलेट अपलोड होते हैं तो इसलिए वो वर्क नहीं करता है, ठीक है गाइस ओल्ड वाले में। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैंने गाइस देखिए यहाँ पे अपना कैपकट डिलीट कर दिया, मैंने दूसरा वाला इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है, वो क्यों कराया गाइस वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो गाइस देखिए पहले मैं इसके आपको वर्जन यहाँ पे चेक करा देता हूँ। तो जैसे गाइस यहाँ पे मैं इस पे गया, ठीक है, मैंने इसको ओपन कर लिया, यहाँ पे मैंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए गाइस यहाँ पे मैंने इसको मतलब कि इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जैसे यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं 7.4.0, ठीक है, ये वाला वर्जन है, ठीक है, ये वाला वर्जन है मेरे पास। अब मैं इसको आपको यहाँ पे चला के भी दिखा दूंगा इसमें कि जो हमारा मतलब कि टेम्पलेट है वो उसमें ईजिली वर्क करेगा। बस आप लोगों को ये मिलेगा कहाँ से वो मैं नीचे एक कमेंट बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो पहले मैं यहाँ पे VPN कनेक्ट कर लेता हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने एक कमेंट को पिन किया हुआ है गाइस, ठीक है, आप लोग उस कमेंट को जाके वहाँ पे क्लिक करना, ठीक है, लिंक पे मतलब, और उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है तो आप लोग उसमें जाके देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है, वहाँ पे मैंने बता दिया अच्छे से। इसमें मैंने क्यों नहीं बताया गाइस, क्योंकि गाइस लास्ट टाइम मैं जो है अभी 90 दिन तक मतलब एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ, एंड 7 दिन तक मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया था। अब आप समझ गए होंगे कि गाइस मैंने इस वीडियो में क्यों नहीं बताया, ठीक है, बाकी अगर आप यूट्यूबर हो तो आपको अच्छे से पता होगा। तो बाकी गाइस देखिए यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे टेम्पलेट को ऑन किया, टेम्पलेट को ऑन करने के बाद गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया है टेम्पलेट के ऊपर, तो गाइस देखिए यहाँ पे मतलब थोड़ा सा वेट करवा रहा है, एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो है सीधा कैपकट में जाके खुल गया गाइस, ठीक है, कैपकट में जाके खुल गया ये। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बिल्कुल ईजिली एकदम वर्क कर रहा है, यहाँ पे हम यूज़ टेम्पलेट के ऊपर टैप कर देंगे एक बारी, एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है हमारा यूज़ टेम्पलेट, और एक बारी और टैप कर देते हैं यहाँ पे, एंड बाकी हमारा अलाउ वगैरह मांगेगा परमिशन वगैरह, एंड यहाँ पे हमारा वीडियो एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया। बाकी आप लोग इस मतलब कि जो मैंने यहाँ पे बताया सॉल्यूशन इसको सेम ऐसे ही फॉलो करो गाइस, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से वर्क करेगा। बाकी चले गिलता मिलता नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।